नमस्कार, मैं नफीस अहमद, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन लाइव टीवी। यह खबर यूपी के जनपद सीतापुर से है, जहां तंबोर कस्बे के मतदान केंद्र नगर पंचायत पर स्नातक मतदाताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। मतदान केंद्र पर स्नातक मतदाताओं की संख्या 2646 थी, जिसके लिए 4 बूथ बनाए गए थे। बूथ संख्या 68 पर लगातार भीड़ बनी रही। उनकी लंबी कतार दोपहर के बाद भी देखने को मिली। शिक्षक मतदाताओं के लिए एक बूथ बनाया गया था, जिस पर 135 मतदाता थे। आपको बता दें, दोपहर 1:30 बजे तक 93 मतदाता अपने मत डाल चुके थे। वहीं तहसीलदार लहरपुर ने बताया, कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखते हुए पूर्ण व्यवस्थाओं के साथ मतदान कराया जा रहा है। आज स्नातक चुनाव का मतदान हो रहा है, मतदान करके हैं, कैसा फील हो रहा है? ये मतदान तो हम पिछले 18 साल से कर रहे हैं। ये हमारा चौथा चुनाव है। हम इस फील्ड में हमने वोट दिया है और आज जो हम वोट दे रहे हैं इस बार, तो पहले के मुकाबले में आज की वोटिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इसलिए कि पहले चुनाव होता था तो बहुत कम वोटर होते थे, लेकिन आज लंबी लाइन लगी हुई है। इससे ये लगा कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है और इसके साथ साथ एजुकेशन बढ़ा है, क्योंकि ये स्नातक का वोट है। ये जितने स्नातक बढ़ते जाएंगे, वोट बढ़ता जाएगा। लंबी लाइन से ये महसूस हुआ कि एजुकेशन की फील्ड में बहुत अपलिफ्टिंग हो रही है, बड़ी तरक्की हो रही है, और लंबी लाइन लगने से ये उम्मीद जगी है कि लोग अवेयर हैं और सारे के सारे लोग अपना मत का प्रयोग करना चाहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। मैंने तो बस ये सोच करके मतदान किया है कि चूँकि मत एक अधिकार होता है और इस अधिकार का इस्तेमाल होना चाहिए, और मेरा ये अधिकार मुझे प्राप्त है, मैंने इसका इस्तेमाल किया है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो भी प्रत्याशी चुनाव जीत करके जाएं, तो कम से कम स्नातकों के हित की बात ज़रूर करें। हम देखते हैं कि पिछले 15-18 साल से मैं वोटिंग कर रहा हूं, लेकिन विधान परिषद में या विधानसभा में स्नातकों के हित की बात कोई नहीं करता है। ये बड़ी दुखद है। रहा है कि इस चुनाव में जो कराया जा रहा है, इसमें किसकी बढ़त होगी और कौन नीचे जाएगा, इसके बारे में? बढ़त के बारे में तो हम लोग गणना नहीं कर सकते हैं जी, लेकिन ये तो भविष्य ही बताएगा जी। और बाकी तो सब ये स्नातक वर्ग से है और शिक्षक वर्ग से है जी। तो इसमें तो प्रबुद्ध वर्ग के सभी लोग हैं, वोट सोच समझ कर ही करते हैं जी। तो इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छे आदमी को चुनेंगे। ज्ञान भारती शुक्ला। ज्ञान भारती जी, क्या आपका कौन सा किस प्रकार की वोटर हैं आप? शिक्षक हैं या स्नातक हैं? हम शिक्षक। शिक्षक के स्नातक हैं। किस प्रकार की, जिस तरीके से कोरोना काल में आज मतदान हो रहा है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिली, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए कराया गया, किस प्रकार का है कुछ बताएं? सोशल डिस्टेंसिंग जो रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, तो मास्क भी लगाए हुए हैं लोग, और अरेंजमेंट तो सही है। पहली बार वोट डाल रही हैं या इससे पहले भी? ये नहीं, डाल चुके हैं, बट ये टीचर्स का वोट पहली बार। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद नजीब है, मैं ही तंबोर का रहने वाला हूँ। आज आप मतदान किए तो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, और ये पढ़े लिखों का चुनाव है और सारे पढ़े लिखे लोग ही इसमें वोट कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है कि ये अपना स्नातक बेरोजगारों का भी अपना एक विधायक जो विधानसभा में इन लोगों की बात उठा सके, वो बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्या सोच कर मतदान किया? बस हम यही सोच के कि जो हमारा बेरोजगार हैं स्नातक भाई बहनें, इनकी आवाज़ सरकार तक और विधानसभा में उठाने वाला कैंडिडेट हो, बस यही सोच के हम लोग मतदान दे रहे हैं। जो शिक्षा महामारी के बीच मतदान हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई लापरवाही दिख रही हो? नहीं नहीं, कोई ऐसा नहीं है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और बहुत अच्छा सारा जो प्रशासन है वो भी कोऑपरेट कर रहा है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। क्या नाम? सर मेरा नाम राम कुमार वर्मा है। कहाँ रहते हैं? यही लिसवाखुल में रहता हूँ। आज मतदान किए हैं, क्या सोच कर मतदान किए हैं, क्या फील हो रहा है? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, कम से कम समाज के एक वर्ग को जो पढ़ा लिखा है, स्नातक है, उसको अपना मत देने का एक अधिकार मिल रहा है, जिसके तहत वो एक ऐसे व्यक्ति को चुन करके विधानमंडल में भेज रहा है जो उसके यहाँ की समाज की परेशानियों को, उसकी परेशानियों को वहाँ उठाने वाला कोई पहुँच सके और रखे। आप किस प्रकार के मतदाता हैं? हम स्नातक एमएलसी के वोटर हैं। आज
आज स्नातक एमएलसी का चुनाव है जिसका मतदान हो रहा है, आप मतदान करके आए हैं, आपको क्या फील हो रहा है? देखिए, मतदान तो लोकतंत्र में सबका अधिकार है और उसका पूर्ण पालन भी करना चाहिए, हर एक नागरिक का ये विशेष अधिकार है। लेकिन ये कुछ खास है, खास इसलिए भी है क्योंकि ये शिक्षकों का और ग्रेजुएट लोगों का, जो स्नातक स्तर के लोग हैं, उनका ये इलेक्शन होता है। इसमें सबका तो नहीं होता है, लेकिन जिनका भी होता है, ये मेरा पहला था, काफ़ी अच्छा लगा वोट करके। और उम्मीद करते हैं जिनका भी वोट हुआ होगा वो अपना मत का प्रयोग करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। और क्या सोचकर आप मतदान किए? मतदान करना तो सबका विशेष अधिकार है और चूंकि ये अलग है, और जाहिर सी बात है अच्छा ही फील कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। सर, जिस तरीके से आज चुनाव सुबह से ही मतदान हो रहा है, क्या कुछ देखने को मिला? सुरक्षा व्यवस्था की नज़र से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और 1:30 बजने को है, कितना परसेंट मतदान अब तक हो गया है? चुनाव जो है प्रातः जो है बहुत धीमी गति से शुरू हुआ, लेकिन 11 बजते काफ़ी अच्छी संख्या में वोटर निकले हैं। और यहाँ पर स्नातक के 4 बूथ हैं और शिक्षक का 1 बूथ है, कुल मिला करके वोटर जो है स्नातक में 870 वोटिंग हुई है, जिसका परसेंट 32% है, और शिक्षक में जो है 85 मतदान हुआ है जिसमें 62% है। मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है, कोई सभी सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है। सुरक्षा की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग की गई है, सारी सुरक्षा व्यवस्था ठीक है। इस तरीके से कोरोना महामारी को देखते हुए और कोरोना महामारी में मतदान हो रहा है, कोरोना महामारी को देखते हुए हमारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, थर्मल स्कैनिंग भी हो रही है, सैनिटाइजर सबको कराया जा रहा है, और जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए सभी को मताधिकार का जो है प्रयोग कराया जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर्स भी लगे हुए हैं, सारी उनका अलग से हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है, वो अलग से सैनिटाइज भी किए हैं और ग्लव्स भी दिया हुआ है और मास्क भी है, जो लोग आ रहे हैं उनको दिया भी जा रहा है। तो ये थे मतदाता व तहसीलदार लहर। लेकिन अब आपको प्रत्याशी मोहम्मद रिजवान से मिलवाते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना, तो सुनिए। स्नातक एमएलसी का 7 जिलों का चुनाव है, गाँव में आप जो फील्ड वर्क किए हैं, जब जनता के पास गए हैं, जो आपके शिक्षक हैं उनके पास गए, तो किन मुद्दों को लेकर के आप? देखिए, हमारे 2 तरीके के मुद्दे हैं, एक तो हम संविदा संवर्ग की बात को रख रहे हैं और दूसरा हमारा जो आम आज कॉमन समस्या है बेरोजगारी, और जो शिक्षित और युवा बेरोजगार है वो आज की तारीख में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। हमारा ये कहना है कि हम स्नातक रोजगार गारंटी अधिनियम जो कि पेंडिंग है उसे लेकर आ रहे हैं। स्नातक रोजगार गारंटी अधिनियम ये कहता है कि जैसे नरेगा के तहत सरकारें मजदूरों को, किसानों को रोजगार की गारंटी मुहैया कराती हैं, ठीक उसी तरीके से एक शिक्षित युवा चूँकि शिक्षित है तो वो खेत में काम नहीं कर सकता, रोड के ऊपर फावड़ा नहीं चला सकता, उसका एक सेल्फ ईगो होता है। हमारा ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें उन शिक्षित युवाओं से कराया जा सकता होगा, सरकार नहीं दे सकती है तो तब तक, जब तक वो काम नहीं दे सकती तब तक एक उचित मानदेय दे, ये कहता है स्नातक रोजगार गारंटी अधिनियम। दूसरी एक संविदा संवर्ग, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, प्रेरक, रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक, आचार्य अनुदेशक, ये पूरी लॉबी है, इन सारे लोगों की एक कॉमन समस्या है। मैं बात करूंगा तो बहुत लंबी बात चली जाएगी, लेकिन उन तमाम मुद्दों पे हमने उनको एकजुट करने का काम किया। आज ये सारे संगठन एकजुट हैं, एकत्रित हैं और पूरे 7 जनपद के प्रत्येक बूथ के अंदर जो हुजूम उमड़ा है, जो जनसैलाब उमड़ा है, वोटिंग का प्रतिशत भी बढ़ा है, और आप देखेंगे जो अभी वोटिंग हो रही है वो वोटिंग जो इंटीरियर एरिया है, देहात क्षेत्र है, ये चुनाव देहात क्षेत्र का नहीं था, देहात क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज हुआ है और हमारे लोग वहाँ पे हैं, तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा इस चुनाव को हमने चुनाव बनाने का काम किया है, जन जन तक पहुँचाने का काम किया है, और अभी मतदान चल रहा है, शीघ्र ही इसका नतीजा भी आएगा, जब नतीजा आएगा तो परिणाम आपके सामने।
तरह से हमने भी मतदाताओं से बात किया तो कुछ शिक्षकों ने ये बताया कि चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद में कोई हम लोग बिल्कुल 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 नहीं उठाया जाता है। बिल्कुल ऐसा है, ये चूंकि मैं और युवा हूँ और मेरा अपना ऐसा मानना है कि भारत के अंदर एक चपरासी बनना मुश्किल है, लेकिन अध्यापक बनना मुश्किल है, लेकिन शिक्षा मंत्री बनना आसान है क्योंकि उसके लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। और जो सरकारें या जो नेता आते हैं वो वादे करते हैं, जुमला देते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, फिर 5 साल के बाद नया फार्मूला और नई टेक्नोलॉजी के साथ में फिर से आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 9 लाइव टीवी, सीतापुर।